ये शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन शिकार करना नहीं भूला। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। जिंदा हूं मैं तुझ में रहूंगा जिंदा। व्हाट अ सॉन्ग, आई मीन लिटरली स्पीकिंग गूज बम मोमेंट्स फॉर एवरी सलमान खान फैन। वो इंसान सलमान खान का फैन नहीं भी है, ये गाना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। व्हाट अ डायरेक्शन बाय अली अब्बास जफर। एक होते हैं डायरेक्टर एंड कुछ होते हैं लेजेंडरी डायरेक्टर्स, एंड आई थिंक आफ्टर भारत रिलीजेस अली अब्बास जफर अपना नाम उनकी फेयरलिस्ट में शामिल कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर बजरंगी भाईजान, टाइगर जिंदा है, सुल्तान, दिस विल बी अनदर 300 प्लस करोड़ ग्रॉसर ऑफ सलमान खान। एंड ये गाना देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि भारत इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सलमान खान के फैन हो देन यू आर इन द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर फैंडम। इसको इंजॉय कीजिए, उनकी फिल्म को इंजॉय कीजिए, इस फिल्म को कोई रोक नहीं सकता। वेल फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सलमान खान 70 years of age, right in the middle of a motorcycle hurdle, एक ऐसा hurdle जो कि stuntman लोगों ने बनाया है। और किस तरह से जब वो अपना hoodie उतार कर ये dialogue कहते हैं कि ये शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन शिकार करना नहीं भूला, and जैसे उनका hoodie उतरता है the iconic glare of सलमान खान, और जब उनके आंख से वो glass का piece निकलता है, मैं ये launch live देख रहा था मेरा भाई। जो तालियां, जो सीटियां इस लाइव में बजी है। वेल फ्रेंड्स, यूजुअली जो प्रेस रिलीजेस होते हैं वहां पर इस तरह का माहौल नहीं रहता मेरा भाई। यूजुअली जो प्रेस रिलीजेस होती है, गाइस आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, जो प्रेस रिलीज होती है वहां पर लोग बस देखते हैं किस तरह इसकी वाट लगानी देखते हैं, लेकिन यहां पर दिस सीन गॉट सो मेनी क्लैप्स एंड विसल्स, इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जिस तरह से वो हुडी निकलती है, सलमान खान के ऊपर ट्यूबलाइट फोड़ी जाती है, ड्रॉप किक ऑन द विलन्स फेस, ये एक ही सीन आपके लिए पैसा वसूल होगा। फिर क्या, वहां से अली अब्बास जफर, वो कहते हैं ना कि एक फिल्म का अगर बेस लेंथ यहां पर है, उसको अगर उस क्रेसेंडो पे मार दो तब ऑडियंस का पैसा क्या, उनका सब कुछ वसूल हो जाए, उसको कहते हैं मास्टर डायरेक्टर। वो अली अब्बास जफर ने इस गाने में किया है। सन 47, 14 अगस्त, मैं 8 साल का था, भारत का बचपना दिखाया गया है। एंड जिस तरह से जग्गू दादा बिड़ो, जग्गू दादा बहुत लोगों का बाप बना होगा, बहुत फिल्मों में उसने छोटे रोल्स किए होंगे, लेकिन ये फिल्म जग्गू दादा की जिंदगी की ऐतिहासिक फिल्म होगी। और जब जग्गू दादा कहता है चल बेटा तू बड़ा है सबका ख्याल रखना, और जब भारत अपने बाप का हाथ छोड़ता है, माइंड यू गाइस दिस पार्टीशन सीन विल बी द बिगेस्ट टियर जर्कर एवर। ये भविष्यवाणी मैंने 3 महीने पहले कर दी थी, परसों मैंने आपको भारत के पार्टीशन सीन्स का रिव्यू भी दिया। दैट विल बी एन आइकॉनिक सीन। एंड गाइस, जब मौत का कुएं का अंदर का बेस दिखाया जाता है, यूजुअली टॉप शॉट्स दिखाए गए थे भाई अली अब्बास जफर, लेकिन जब सलमान भाई एंट्री करते हैं, जो गहराई दिखाई है, जो ऊंचाई दिखाई है उसकी, माइंड ब्लोइंग, नंबिंग। और पीछे विशाल डडलानी की जो हॉन्टिंग आवाज है, मतलब एक आवाज रहती है ना कि जो अंदर से जोश उत्पन्न कर दे, वो आवाज चलती है, मैन लिटरली स्पीकिंग। और जब दिशा पाटनी की एंट्री होती है इन ऑलमोस्ट 2-पीस सूट, शिमरिंग इन ब्राइटेस्ट अवतार, एंड सलमान खान अपनी जवानी का रंग दिखाता है, माइंड ब्लोइंग। चाहे वो सलमान खान के भारत की टोली हो, राइट फ्रॉम बिजू कालरा टू शंकी सिंह टू सुल्तान प्रेशर कुकर टू सुनील ग्रोवर, जितने सारे लोग हैं बैग लेके जब रेगिस्तान में चलते हुए दिखाई देते हैं, और हमें कटरीना कैफ फॉर्मल अवतार में उनको घूरते हुए दिखाई देती है, माइंड ब्लोइंग सीन। लेकिन मेरा भाई, एक सलमान खान की फिल्म में आपको क्या चाहिए? सलमान खान का शर्ट उतर जाए तो थिएटरों में से हाउसफुल के बोर्ड उतरने का नाम नहीं लेते। एंड गाइस, जब अली अब्बास जफर आपको इस फिल्म के गाने में ही बता देता है कि उनका शर्ट उतरेगा, एंड गाइस वो सीन, सलमान खान इज एजिंग रिवर्स, और जो वो पकड़ के चलता है जिंदा हूं मैं तुझ में, इंटेंसिटी नए नए लड़कों को ओपन चैलेंज मार दे रहे, अभी तक इतना दम है सलमान खान में, इसीलिए सामने डायलॉग आता है शेर बूढ़ा हो गया लेकिन शिकार करना नहीं भूला। वो सीन विल बी द आइकॉनिक सीन इन हिज होल करियर गाइज, लिटरली स्पीकिंग। एंड गाइज, वो सीन
जब वो ऑरेंज कपड़े वालों को नीचे ऑयल फील्ड से उठाकर ऊपर बचा के लाता है और सब लोग को बैरिकेड के पीछे बोलते हैं कि आगे मत आना, अंदर गैस लीक हुआ है, और वो सब वो गैस तोड़ के आते हैं सलमान खान की तरफ, और जब वो चिल्लाते हैं भारत भारत भारत, एक फॉरेन लैंड पे जब भारत नाम गूंजता है ना मेरा भाई, तो वो थिएटर में भी गूंजना चाहिए, 5 जून 2019 को आपके दिमाग में भी गूंजना चाहिए, और आपके जेब से जब पैसा निकले ना तो वो भारत की टिकट लेने के लिए निकलना चाहिए। आइकॉनिक मोमेंट्स गाइस। एंड गाइस, जिस तरह से सुनील ग्रोवर एंड सलमान खान का नेवल यूनिफॉर्म का सीन दिखाया जाता है, माई गॉड, ऑन टॉप ऑफ दैट शिप सतीश कौशिक द कैप्टन एंड बोथ ऑफ देम लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, पायरेट्स उन पर अटैक करते हैं वो वाला सीन, एंड गाइस जो ऑयल फील्ड्स में जब सब लोग जब उठा के जा रहे हो सामान वाला सीन, उसकी इंटेंसिटी एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुरपिया गाना आएगा नेक्स्ट, वो तो चार्ट बस्टर है, हिला के रख देगा। नोरा फतेह का यहाँ पे उसके भी ग्लिम्सेस दिखाते हैं, लेकिन गाइस वो सीन जहां पर बॉर्डर पे सलमान खान प्ले कार्ड लेके खड़ा है उसकी बहन गुड़िया का और उसके पिताजी का, और तब वो उम्मीद हार जाता है कि अब कोई आने वाला नहीं, और किस तरह यहाँ पे सुनील ग्रोवर उनके हाथ से वो प्ले कार्ड लेके खड़ा होता है कि उम्मीद अभी जिंदा है क्योंकि अभी सलमान खान जिंदा है। व्हाट अ सीन, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड गाइस उसके बाद जिस तरह से द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ इस गाने का सीन है, जब सलमान खान मौत के कुएं में स्टंट कर रहा है और ऊपर खड़े हुए दिशा पाटनी उनको फ्लाइंग किस फेंकती है, सलमान खान टेक्स एंड पुट्स इट इनसाइड, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इतना बेहतरीन वीएफएक्स सीजीआई किया उस सीन में, इट्स माइंड नंबिंग। लेकिन गाइस यहाँ पर दो नेचुरल क्लाइमिटीज होगी, पहला तो स्टॉर्म ऑन द शिप, वो सीन जिस प्रकार से शूट किया गया है माल्टा में इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी आपको स्टॉर्म ऑन द शिप की बहुत सारी झलकियां दिखाई देगी गाइस। एंड दूसरा सीन है द सैंड स्टॉर्म सीन, जो भी हादसा होता है ऑयल फील्ड में सैंड स्टॉर्म सीन गाइस, जहां पर पूरा का पूरा सैलाब आ रहा है धूल मिट्टी का, सलमान खान लिटरली वहां पे आदमियों को उठाकर लेकर जा रहा है, वो सीन रिविटिंग होता है गाइस। लेकिन गाइस यहाँ पर चेतक बाइक भी आती है, यस मेरा भाई, अली अब्बास जफर की फिल्म हो सुल्तान में चेतक बाइक थी, यहाँ भी चेतक बाइक है। ये बात मैंने आप लोगों को जनवरी में बता दिया था, और वो बाइक हम लोग ऑनसेट लोकेशन पे देख भी चुके हैं, येलो एंड व्हाइट कलर की आइकॉनिक बाइक है सलमान खान की, अगेन इज गोना ब्रिंग चेतक बैक टू लाइफ। लाल किला का सीन है, भारत किस तरह लाल किला पे कुमुद को लेके जाता है, यानी कटरीना कैफ को लेके लेके आगे बढ़ता है, वो सीन काफी अच्छा है। एंड गाइस नोरा फतेही जब अपनी जुल्फों के बादल यूं छिड़काती है तो लोगों के दिल पिघल जाते हैं। आई कैन नॉट वेट फॉर नोरा फतेही टू कम ऑन स्क्रीन एंड सिजल इन तुरपिया, दिलबर दिलबर विल बी रिक्रिएटेड बैक ऑन स्क्रीन, वो नंबर सुखविंदर की आवाज में, इंतजार कीजिए गाने का, बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन गाइस एंड का सीन, दोस्ती ऐसी हो कि जिंदगी की शुरुआत से लेके जब तक दोस्त की सांसें ना कम हो तब तक चलता रहे, ऐसी दोस्तियों का जो एग्जाम्पल रहता है भारत फिल्म में बखूबी दिखाया जाएगा। सुनील ग्रोवर बूढ़े हो चुके, सलमान भाई बूढ़े हो चुके हैं, बॉक्सिंग पंचिंग बैग सामने है, द पंच सलमान खान थ्रोस, एंड सुनील ग्रोवर का जो डायलॉग आता है, तू पूरी तरह सठिया गया है, मार्केट में सब तेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं भारत, तब भारत जो डायलॉग कहता है उन्हें कह दे भारत इतनी जल्दी ना मरता। ओ मैन, बाप सॉन्ग, तुम लोग को क्या टेंशन है मेरे भाई, बताओ इतना बाप गाना बनाया है, इसको कौन क्या टक्कर देगा इस फिल्म को, किस क्या क्या वजूद है भारत के सामने आने के लिए, सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस। 5 तारीख को उठो, जाओ भारत देखने के लिए, ईद मनाओ, दिस फिल्म विल बी वॉकिंग इन थिएटर, लेट मी टेल यू, ये लंबे रेस का घोड़ा हुआ गाइस। जिस तरह से ये फिल्म का गाना हमारे सामने आया, बहुत वेट करना पड़ा, मुझे पता है आप सभी लोगों को प्रेस वालों को बहुत वेट करना पड़ा, लेकिन अभी अभी सलमान भाई कटरीना कैफ हैव कम टू ताज लैंड्स एंड इन बैंड्रा, जहां पर इस गाने का लॉन्च हो चुका है। एंड गाइस तोड़ के सब जंजीरे, मैं आजाद परिंदा, आपका पैसा है, आपका मनी है, हार्ड अर्न मनी, आप जाओ इस फिल्म को देखो, आपको कोई रोक नहीं सकता, इन भारत को हिट होने से अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सलमान अभी जिंदा है मेरा भाई, दिस टाइम पूरी की पूरी ईदी वसूल करेंगे सलमान भाई। ओके गाइस, सो आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए गाने को लाइक कीजिए, हाँ ये एपिसोड में मेहनत पसंद है तो एपिसोड को भी लाइक कीजिए। इसमें आमरन साई साइनिंग ऑफ।
You're gonna see me very soon. Till then, as always, stay cool, man.